खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जेसीआई गोहाना स्टार जो है मान सम्मान देने का काम कर रहा है सभी हमारे पुलिस कर्मचारियों को, हर एक नाके पे जाके आप देख सकते हैं जिस तरह से तपती धूप पड़ रही है, ऐसे में ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो हमारे जवानों को पिलाई जा रही है ताकि कुछ राहत की सांस थोड़ी देर के लिए मिल सके। साफा भेंट किया गया है जो कि एक मास्क का काम भी कर सकता है और चिलचिलाती धूप में हमें कुछ छाया का एहसास भी करा सकता है। सैनिटाइज़र और डिटॉल भी दिया गया है। नीरज मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता साहब, कैसे विचार आया ये कि मान सम्मान करना है और यही सब देना है? नहीं, सभी संस्थाएं कुछ ना कुछ काम कर रही है और जेसीआई गोहाना स्टार गोहाना के अंदर एक अलग कुछ करने की पहल करने की क्षमता रखती है, तो यही सोचा गया था कि फूड पैकेट तो कर रहे और गर्मी का एहसास, हम जब कल अमूल के वहाँ से दूध लेने गए तो दूध लेने में कुछ देरी लग रही थी, दूध था नहीं वहाँ पर, तो हमने एक पैकेट लस्सी का लेकर वहाँ पी लिया और जो एहसास उस गर्मी में हमें मिला था और हम चाहते थे कि वही एहसास एकदम ध्यान में आया कि हमारे जो जवान हरियाणा पुलिस के गोहाना की जवान जो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं और खड़े हैं तपती धूप में, क्यों ना हम उस एहसास को जो हमें मिला था वही एहसास हम उन्हें देना चाहते थे। तो जब हमने अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर करा कि हम कल उनको लस्सी पिलाएँ, तो लस्सी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जिन एक एजेंसी थी डेटोल की, तो उन्होंने कहा कि आप लस्सी नहीं खाली, हम उनको साथ सैनिटाइज़र भी देंगे। तो जैसे जैसे ग्रुप में चलता गया तो सभी ने अपना ना समर्थन देकर कहा कि हम उन्हें साफा भी भेंट करेंगे, उनके साथ सैनिटाइज़र भी देंगे, हम उनके साथ साबुन भी देंगे और लस्सी तो हमारा विशेष था कि हम लोग उनको लस्सी पिलाएं। और जो ये मेहनत जो ये कर रहे हैं हमारे लिए, ये इनके लिए ये कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो तमाम जेसीआई के मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है ये सेवा भाव करके? जैसे ही गोहाना स्टार हमेशा से तत्पर रहता है कि समाज के अंदर जो भी हमारे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। विशेष तौर पर लॉकडाउन के अंदर हमारे पुलिस प्रशासन ने इतना अच्छा योगदान और इतना अच्छा कार्य किया है कि दिल दाग दाग गदगद हो जाता है। कि कल ही हमने देखा कि गोहाना के SHO साहब निर्मल सिंह जी ने और पूरे का पूरे काफिले ने जो गोहाना के अंदर एक एक गली के अंदर जाके अपनी हाजिरी दी और लोगों को समझाया कि घर पे ही रहना है। जैसे ही गोहाना स्टार भी सभी से अपील करती है कि अपने घर पे रहें और लॉकडाउन का पालन करें। 2 गज की दूरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है। 2 गज की दूरी को बनाकर हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन से अगर रहकर अगर आप स्वयं को सेल्फ डिफेंस करना है, स्वयं को बचाना है, तो 2 गज दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, आप पार्षद भी हैं और इस मुहिम में भी जुड़े हैं, खाना भी वितरित किया है, बहुत सारे काम में लगे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अब पहले तो अपने पुलिस भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं दिल से कि वे हमारी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें। और अपने SDM साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, निर्मल सिंह SHO है हमारे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। क्या व्यवस्था की आपने? स्कूटियों पे निकले हैं, वो लस्सी का शायद वो आपने वो भी रखा है पूरा, कि मतलब व्यवस्था कैसे बनाई है, क्या दिमाग में आया था? हम कल बैठे बैठे ये बात सोच रहे थे कि इतनी गर्मी है और गर्मी में पुलिस और प्रशासन दोनों अपनी तहे दिल से बिना किसी की परवाह किए अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमने यही सोचा कि हम अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे और एक एक सामान, चाहे वो सैनिटाइज़र हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे लस्सी हो गई, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, आप देखेंगे दोपहर का समय गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में एक हमें ये लगा कि हम लस्सी जो है एक नमकीन लस्सी वितरित करेंगे और उनको पिलाएंगे पानी के साथ, लस्सी भी, साबुन भी, सैनिटाइज़र भी। हमने आप देख सकते हैं हर एक हमारी एक्टिवा या बाइक पे एक एक चीज़ अलग अलग है, सोशल डिस्टेंस हमने मेंटेन कर रखा है और इससे हमारे दिल को भी खुशी मिल रही है। और जेसीआई गोहाना स्टार आपसे यही निवेदन करता है कि आप अपने घर में रहें तो सेफ रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, देखिए स्कूटी को ही फ्रिज बना दिया है, आपकी तो डेटोल की एजेंसी है, फिर मतलब शुरू कर दिया बांटना। हाँ जी सर। कितने आपने व्यवस्था की, कैसे मेंटेन किया है सारा सिस्टम, कैसे? ये सर फ्रीजर इसलिए लिया है इसी तक ताकि हम ठंडी लस्सी दे सकें और डेटोल की मेरे पास एजेंसी है तो मैंने डेटोल का सामान इकट्ठा करके
प्रशासन के लिए। और देखिए, स्वच्छता अभियान का भी ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। एक पॉलिथीन जो है वो एक्टिवा के साथ बांध दी गई है ताकि कोई भी रोड पर एक भी गिलास ना पड़े। और ये देखिए, एक छोटा सा, इसे हम कह सकते हैं आइस बॉक्स जो है ये रखा है, और इस आइस बॉक्स में जो है सारे पैकेट रखे गए हैं ताकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं चिलचिलाती धूप में सड़कों पे खड़े हैं हमारे पुलिस के जवान, उनको ठंडी लस्सी के साथ वो एहसास करा सकें कि हम कोरोना की लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम किया गया है इस लॉकडाउन के दौरान। अगर जेसीआई स्टार गोहाना की बात करें तो क्या क्या किया गया है? देखो, हमारी संस्था द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले एक जनता कर्फ्यू का आह्वान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, उसी दिन से हमारी संस्था ने शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू के लिए हमने लोगों को अवेयरनेस किया था। उसके बाद हमने मास्क बांटे गए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सब्जी मंडी के एरिया हमने कवर किया था, वहाँ पे बहुत कम से कम 1000 लोगों को हमने सैनिटाइज मास्क भी बांटे थे। उसके बाद जब आह्वान हुआ कि संपूर्ण लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में कर दिया गया था, तो एक अपील थी कि सभी लोग इस जो कर्फ्यू लगा है या सरकार के जो खजाना है उसमें कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो हमारी संस्था ने भी फैसला किया था कि एक सांझी रसोई गोहाना में चल रही थी, उसके अंदर हमने 21,000 रुपये डोनेट किए थे, और सीएम रिलीफ फंड था हरियाणा सरकार के लिए, हमने उसमें भी 21,000 डोनेट किए हैं, और तीसरा जो पीएम रिलीफ फंड था प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें भी हमने 21,000 रुपये डोनेट किए थे। उसके बाद हमारी ड्यूटी सांझी रसोई में लगी, हमारी टीम के सदस्य वहाँ पर पैकिंग कराते थे। उसके बाद सर्विस की यूनिट जो यूनिट ड्यूटी थी हमारी लगी थी, जो गरीब लोगों तक खाना पहुँचाया जाता था। उसके बाद प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी संभाली थी, तो हमारी वहाँ से प्रशासन ने ड्यूटी हटाकर सिर्फ पैकिंग में ड्यूटी लगा दी थी, तो हमने सांझी रसोई में पैकिंग करी थी। पैकिंग करने के बाद एक बार लॉकडाउन के दौरान ही पीजीआई खानपुर से ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो कॉल आई थी, तो हमारी टीम के सदस्यों ने जेसीआई गोहाना स्टार के 4 लोगों ने वहाँ जाकर खानपुर जाकर ही डोनेट किया था। और उसके दौरान हमने जो एक बार नज़र में आया था कि जो रोड पर गौएँ घूम रही हैं, उसके लिए भी टीम ने हमारे ने काम करा था। 3-4 दिन हम लगातार अपनी स्कूटी पर चारा लेकर जाते, और जो आवारा पशु रोड पर बैठे थे उनके हमने गौ चारा की सेवा की थी। और आज हमें लगा था कि गर्मी का एहसास हो रहा है तो लस्सी पिलानी चाहिए सभी पुलिस वालों को, तो हमने आज दोपहर के टाइम आज ये लस्सी का प्रोग्राम किया है। लॉकडाउन के टाइम जैसे गोहाना स्टार की रही है जा रहा है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से पालना करवा रहे हैं लॉकडाउन? लॉकडाउन की पालना करें, जो काम सर आदमी आते हैं उनको चलो छूट दी जाती है, बाकी बगैर वैसे वह यात्रियों घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनकी गाड़ियों में चलान काटे जाते हैं। जो आज ये संस्था ने जिस तरह से सम्मान किया है, नहीं बहुत हमारा भी इससे उत्साह बढ़ता है, जो अच्छी बात है। संस्थाएं भी अच्छा काम कर रही हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, आवारा पशुओं हैं जो है उनको भी चारा डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इनके लिए। ठीक है, मान सम्मान हो रहा है, ये जेसीआई स्टार गोहाना द्वारा मान सम्मान किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मीडिया भी इसमें हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, और हम इसीलिए रोड पे खड़े हैं ताकि पब्लिक अपने घर में सेफ रहे। बहुत कम आवाजाही है, इसी बात का हम खास ख्याल रख रहे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं सिर्फ वही अपने घर से बाहर निकले, बेवजह बाहर ना घूमे। मैडम, आप कई दिन से सड़कों पे खड़े हैं, मान सम्मान अलग अलग तरह से हो रहा है, आज ये क्या क्या दिया गया है और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह और डेटोल साबुन दिया गया और हमारा सम्मान किया गया, जो हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपनी ड्यूटी में कितनी अच्छे से निभा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे, आप अपने घरों में रहें, हम आपकी सेवा के लिए सहयोग दे रहे हैं। सर, मान सम्मान किया जा रहा है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जी पब्लिक की सेवा के लिए और इसको कोरोना वायरस को रोकने के लिए जनता और आपके सहयोग से ही सहारा काम हो रहा है। लस्सी भी पीने को मिल रही है। हम बहुत अच्छा है, और सामाजिक सेवा जो पब्लिक कर रही है पुलिस के लिए और आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा और सामान्य समाज के लिए अच्छा संकेत है, जो कोरोना वायरस की बीमारी महामारी के लिए सबका सहयोग पूरी तरह से कर रही है। बिल्कुल सर, ये जेसीआई गोहाना स्टार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ये हमारा इतना समर्थन कर रहे हैं और इतना हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद, और लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहे, स्टे होम स्टे सेफ। सर, कैन मीडिया के लिए गोहाना से अमित सबरवाल के साथ अरुण कुमार।